हे सद्गुरु साईनाथ, इस ओमकार ध्वनि को तुम्हारा प्रतीक मानते हुए दुनिया में व्याप्त समस्त स्वरों में तुम्हारा सम्मिश्रण देखते हुए, तुम्हारी उपस्थिति देखते हुए, ये ओमकार का उच्चारण तुम्हें समर्पित करते हैं कि इस कथा के दौरान तुम्हारी प्रेरणा से बोला जाने वाला प्रत्येक शब्द तुम्हारे भक्तों को तुम्हारे और करीब लेकर के आए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न विनाशक पार्वती नंदन, प्रथम पूज्य श्री गणपति भगवान का ध्यान करते हुए श्री साई अमृत कथा प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। हे गजानन, तुम्हारी अनुकंपा से यह कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और पग पग पर तुम्हारा साथ हमको मिलता रहे। साई, तुम ही हमारे गणपति हो, तुम ही में हम गणनायक के दर्शन करते हैं, तुम ही तुम्हारी स्वयं की इस कथा के राह से जो भी विघ्न है उनको दूर करो और अपना आशीष हमें प्रदान करो। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित जम्बूफलचारु भक्षणं सुतं शोक विनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। विद्या की देवी मां सरस्वती का आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन है कि इस कथा के दौरान वे स्वयं हमारी जिह्वा पर विराजमान हो जाएं और हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ के बारे में बोलने के लिए हमें शब्द उपलब्ध करवाएं, विचार उपलब्ध करवाएं, विवेक उपलब्ध करवाएं, करुणा उपलब्ध करवाएं। हे सद्गुरु साईनाथ, तुम्हारे अंदर ही हम मां सरस्वती का दर्शन करते हैं,
और तुमसे अनुरोध करते हैं कि इस कथा में बोले जाने वाले प्रत्येक विचार को तुम शब्द का साथ दो। हे सद्गुरु साईनाथ, इस कथा के वक्ता भी तुम हो, श्रोता भी तुम हो, आयोजक भी तुम हो, यजमान भी तुम हो। हमारी इस मंशा को के तुम्हारे भक्त तुम्हारे और करीब आ सकें, हमें आशीष प्रदान करो। या देवी सर्वभूतेषु, विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। साईं के गुरु माने जाने वाले वेंकुशा भगवान वेंकटेश के परम भक्त थे। भगवान विष्णु वेंकटेश ने स्वयं कहा है कि मैं ना तो किसी भजन में रहता हूं, न किसी अजान में रहता हूं, न योगियों के हृदय में रहता हूं, बल्कि मैं तो वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। हमारे साईनाथ भी वैसे ही हैं, सगुण साकार स्वरूप लेकर के उन्होंने अपने आप को परम ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त किया। ये कथा उन्हीं श्री सद्गुरु साईनाथ की वांगमय प्रस्तुति है। हम निवेदन करते हैं कि हे साईनाथ, इस कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक भक्त के हृदय में तुम्हारा सदैव सदैव वास रहे। नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदये न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमारे समाज का दर्शन इसी बात में व्याप्त है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, सब स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, सुख से रहें। इसी कारण से इस धरा पर अनेक संतों की उत्पत्ति हुई। ज्ञानदेव, नामदेव, याज्ञवल्क्य, नपट निरंजन, गजानन महाराज, दत्तात्रेय भगवान, स्वामी समर्थ, हमारे सद्गुरु साईनाथ, सभी ने संतों का वेश धारण करके, रूप लेकर के हमारे समाज को एक सार्थक दिशा दी है। इस भाव को नमन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग् भवे।
हमारी संस्कृति में गुरु का विशेष योगदान रहा है। हमारा दर्शन कहता है कि माता पिता समस्त ब्रह्मांड में गुरु व्याप्त होता है। आइए हम अपने ऐसे समस्त गुरुओं को वंदन करें और गुरुओं के गुरु जिनमें उत्पत्ति करता, संचार करता, संहार करता, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर गॉड, उनको नमन करते हैं और उनसे आह्वान करते हैं कि इस कथा रूपी यज्ञ में हमको अपना प्राश्रय प्रदान करें। यदि हम कहीं राह से हटके तो हमारी बांह पकड़ लें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस समस्त आयोजन में हमारे मन में लेश मात्र भी अहंकार या अभिमान न आए कि यह कथा हमारे कारण से हो रही है या हम इस कथा को कर रहे हैं। ये पूरा शरीर, इसके अंदर बहता हुआ रक्त, उसकी एक एक बूंद, छोटी से छोटी कोशिकाएं, एक एक रोम, ये सब साई का दिया हुआ है। और जो साई का दिया हुआ है वो उसी को इस कथा के माध्यम से अर्पण करने का एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंपते। क्या लागे है मेरा, मानव मात्र भूल का पात्र। हम इस कथा के दौरान होने वाली समस्त त्रुटियों के लिए साईनाथ को नमन करते हैं
उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे सिर्फ इतनी याचना करते हैं कि हे साईनाथ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तू हमारा साथ कभी मत छोड़ना। के साई तुमसे बीनती, दोनों साथ रख, प्राण रखे तुलाज रख, लाज बिन प्राण रख। हे सद्गुरु साईनाथ, तुमने शिरडी में अपनी कर्म भूमि निर्मित की, हम तुम्हें उसी रूप में देखते हैं, क्योंकि उस रूप में हम तुमको आसानी से पा लेते हैं। हे सद्गुरु, इस कथा के दौरान बोलने वाले की जिह्वा पर और सुनने वालों के कान, समझने वालों के हृदय और आत्मसात करने वालों के संपूर्ण चित्त पर तुम स्वयं विराजमान हो जाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। सभी को सादर साईं राम, बाबा का आशीर्वाद सभी को पहुंचे। साईं आपको समझते हैं, कोशिश करिए कि आप साईं को समझ सकें। साईं को पाने के लिए, समझने के लिए न कोई पर्वत चढ़ना है, न कोई नदियां पार करनी है। छोटा सा नाम है सा, साक्षात ईश्वर। साईं को पालो तो साक्षात ईश्वर को पालो। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जा, पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जा। जो मिलना है यहीं पे, जो मिलना है यहीं पे है। जिन खोजे
दिन पा। अमृत कब न बने काहे जतन लगा Sai Ho, Sai Ho, Sai Ho, Sai Ho.
साईनाथ महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण माई का साईं बाबा के सच्चरित्र में बेहद बेहद बड़ा किरदार रहा है। आज सवेरे जब मैं बाबा की इच्छा से राधा कृष्ण साईं मंदिर में गया तो अचानक ही प्रेरणा हुई, क्योंकि मैंने अपने जीवन में आज तक इस नाम का कोई भी मंदिर नहीं देखा। तो बाबा की प्रेरणा हुई कि कथा का प्रारंभ मंगलाचरण से करने के बाद, मंगलाचरण आप सभी समझते हैं कि नदी में डुबकी मारने से पहले धीरे धीरे अपने पैरों को हम ठंडे बहते हुए पानी के अंदर ले जाते हैं ताकि हमारे शरीर का तापमान और उस पानी के तापमान में जो फर्क है वो हमारा शरीर जज्ब करने की स्थिति में आ सके। धीरे धीरे हम टखनों के बाद घुटनों को पानी में डुबाते हैं और नीचे चलते हैं, कमर तक आ जाते हैं, फिर छाती, फिर सर और अंत में शिखा। हम पूरे के पूरे उस बहते हुए पानी में समाहित हो जाते हैं। यह मंगलाचरण उसी तरह की क्रिया है कि हमने अपने पैर जो हैं वो उस बहते हुए ठंडे पानी में डाल दिए हैं। साईं कथामृत एक गंगा है, बहती हुई गंगा। इसको आप जितनी बार सुनेंगे या साईं की कृपा से मैं जितनी बार भी बोल पाऊंगा, हर बार इसका एक नया अर्थ आप समझेंगे, कोई नया अर्थ मेरे मुख से निकलेगा। सारी लीलाएं वही होंगी साईं की, लेकिन अर्थ बदलते जाएंगे। कभी भी बहती हुई नदी में वही पानी आपको दोबारा नहीं मिलता। ये 3 दिन तक जो ये कथामृत कथा गंगा बहने वाली है, हमने उसके लिए यूं कहे कि थोड़ी सी नेट प्रैक्टिस कर ली है। बड़े से बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी भी हो तो वो कुछ देर नेट प्रैक्टिस जरूर करता है, लगातार करता है। तो अब जब हम बैटिंग शुरू करने वाले हैं, बैटिंग मैं तो करने नहीं वाला हूं, मैं भी यहां बैठ के सुन रहा हूं, आप भी वहां बैठ के सुन रहे हैं, बोलने वाला कोई और है। थोड़ा सा ध्यान मंगलाचरण के माध्यम से हमने लगाया, उसके बाद साई का नाम लिया, साई बोल, साई बोल, साई बोल। एक एक रूम में साई का निवास हो, यही हमारी इच्छा है। हरियाणा की पवित्र भूमि, जहां पर सबसे बड़ा धर्म युद्ध लड़ा गया है, महाभारत। कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा का नाम हरि और आयन, हरि यानी भगवान और आयन यानी उनका निवास। तो हरियाणा ऐसी भूमि है जहां हरि स्वयं निवास करते हैं। एक दूसरा भी मत कहता है कि हरियाणा का नाम हरित और आरण्य, इन दो शब्दों से पड़ा। हरित याने हरा और आरण्य याने वन, हरा भरा वन। हरियाली सिर्फ वहीं हो सकती है जहां की भूमि उपजाऊ हो, उसके अंदर उर्वरक हो, जिसके अंदर जीवन, पेड़ पौधों के रूप में जीवन पनप सके, ये वो पवित्र भूमि है। सोनीपत, सोनप्रस्थ, सोनीपत,
सोनपत। महाभारत कालीन ये छोटा सा गांव, जिसका शुमार उन पांच गांवों में होता है जिनको पांडवों ने कौरव से मांगा था और जिसके जवाब में दुर्योधन ने यह कह दिया था, पांच गांव तो दूर मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी तुमको नहीं दे सकता। और वहीं से उस धर्म युद्ध की बुनियाद पड़ी। इस पवित्र भूमि पर श्री साईनाथ महाराज की जो अमृत कथा है उसका होना परम सौभाग्य से कम की बात नहीं है। साईनाथ अपने आप में परिपूर्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं, देव हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं। इस बारे में कभी किसी के दो मत शायद हो सकते हैं, लेकिन साईनाथ सदगुरु हैं इस मामले में कभी किसी के दो मत नहीं हो सकते। ये जो संपूर्ण साई सच्चरित्र हमारे सामने रखा हुआ, ये अपने आप में एक यूजर्स मैनुअल है। अगर आप इसको पढ़ने के बाद समझेंगे और समझने के बाद आत्मसात करेंगे तो आपको जीवन जीने की संपूर्ण कला आ जाएगी। कहते हैं कि रामायण जीने की कला सिखाती है और भागवत मरने की। श्री साई सच्चरित्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें इन दोनों पावन ग्रंथों का समागम है। ये जीने की राह भी सुझाता है और मरने की कला भी दिखाता है। आज सवेरे की बात बता रहा था मैं आपको, हरियाणा की पवित्र भूमि में पवित्र सोनीपत शहर और उसमें बहुत पवित्र छोटा सा सुंदर सा लेकिन भाव से परिपूर्ण राधा कृष्ण साई मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राधा कृष्ण और साई के नाम का जुड़ाव मैंने आपसे पहले भी कहा, जीवन में पहली बार देखा। आप में से श्री साई सच्चरित्र कितनों ने पढ़ा, राधा कृष्ण माई के बारे में किस किस ने सुना? इतने सारे हाथ उठे थे और बाद में सिर्फ चार हाथ, तीन हाथ दिख रहे हैं जिसमें मुझे राधा कृष्ण माई के बारे में कह रहे हैं हमने पढ़ा है। कहते हैं राधा कृष्ण माई साई के जीवन में माया के रूप में आई, उन्होंने अपना मायावी संसार फैलाया और जब उनका काज संपूर्ण हो गया तो अचानक ही दृश्य से गायब हो गई। पंडरपुर की रहने वाली थी, उनका असली नाम था सुंदराबाई क्षीर सागर। राधा कृष्ण माई की बात से इसलिए बात शुरू कर रहा हूं क्योंकि राधा कृष्ण और साई का समागम आज सवेरे मैं देख चुका हूं। बाबा की प्रेरणा हुई कि वहीं से हम बात शुरू करें इस कथा के बारे में। और आप कतई ये ना माने कि मैं एक के बाद एक अध्याय एक से लेकर 53 तक पढ़ूंगा और फिर उसका अर्थ समझाऊंगा, वो संभव नहीं है। बाबा की प्रेरणा है, हनुमत पद्धति से हम कथा करेंगे, जैसे हनुमान देव कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर कभी उस डाल पर, तो हम उसी प्रकार से बाबा की कथा करेंगे। सुंदराबाई क्षीर सागर की शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के दो दिन बाद ही उनके पति चल बसे। बहुत सुंदर थी, बहुत बहुत सुंदर थी, बाल विधवा। पंडरपुर में उनकी मुलाकात नाना साहब चांदोरकर से हुई। नाना साहब चांदोरकर ने उनसे कहा कि तुम यहां विट्ठल विठोबा की सेवा में लगी रहती है, क्यों ना शिरडी चलकर तुम श्री साई समर्थ की सेवा में लग जाओ, जो कि स्वयं पंडरीनाथ या विठोबा के साक्षात स्वरूप हैं।
सुंदराबाई उनके साथ शिरडी चलने को तैयार हो गई। जब वो मंदिर में दाखिल हुई तो इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, मराठी नौवारी साड़ी। उनका रूप एकदम दम्य चमकता, उनके हाथ में राधा और कृष्ण की एक पीतल की छोटी सी मूर्ति थी। मस्जिद में जैसे ही वो दाखिल हुई, बाबा ने उनका नामकरण कर दिया राधा किशनी, राधा किशनी, जिसको बाद में शिरडी के लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से राधा कृष्ण माई कर दिया। राधा कृष्ण माई बाबा की जो भक्ति करती थी उसको हम दास्यता की श्रेणी में रख सकते हैं। बाबा रोज सवेरे शाम सैर पर जाते थे, राधा कृष्ण माई उनके जाने और आने का रास्ता बुहारती थी, साफ कर देती थी और उस कार्य पर अपना पूरा अधिकार समझती थी। इस हद तक के कि यदि कभी बालाजी नेवास्कर नाम के दूसरे भक्त ने उस रास्ते को साफ कर दिया तो राधा कृष्ण माई ने उस पर कहीं से गंदगी ला करके, पत्थर ला करके, कूड़ा करकट ला करके फेंक दिया और उस रास्ते को साफ किया कि बाबा के आने जाने का रास्ता तो मैं ही साफ करूं। जब बाबा सैर पर जाते तो मस्जिद में से वो धूनी को बाहर निकालती, धूली की अग्नि से काली पड़ गई दीवारों को साफ करती। मस्जिद में रोज शाम को जो बाबा दीपक जलाते उनको साफ करती, उनमें तेल भर के, बाती भर करके तैयार कर देती, बाबा के वस्त्र ठीक ठाक अपनी जगह पर जमा करके रख देती, बाबा के सामने कभी भी बिना घूंघट के नहीं आई, हमेशा बाबा के सामने वो घूंघट में आई। बाबा ने उनके रहने का स्थान नियत कर दिया था, शिरडी में एक पुरानी स्कूल की बिल्डिंग थी जिसको बाबा शाला कहते थे, शाला मराठी में शाला कहा जाता है। और राधा कृष्ण माई के निवास को बाबा स्कूल कहकर ही पुकारते थे जिसको हम शाला कहते हैं। जो भी भक्त अपनी भक्ति का दंभ भरते हुए वहां पर आते, बाबा उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको इस शाला में भेज देते, ये देखने के लिए कि राधा कृष्ण माई के सौंदर्य से इनकी भक्ति कहीं विचलित तो नहीं हो जाती। राधा कृष्ण माई आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत थी, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपका सुंदर सा खूबसूरत सा मंदिर है। उनके सानिध्य में जाकर के मन के सारे पाप भूल जाते, ठीक उसी तरह जिस तरह आपके मंदिर में जाकर के बहुत अच्छा शांत लगता है। आज जो हम साईं बाबा संस्थान का जो रूप देख रहे हैं उसकी शुरुआत करने का श्रेय राधा कृष्ण माई को जाता है। उन्होंने ही उस जमाने में जो धनाढ्य भक्त आते थे उन भक्तों से कभी बर्तन मंगा लिए, को कभी कोई चवर बुला ली, कभी पालकी बुलवा ली। मजे की बात तो यह है कि पालकी तब शिरडी में आ गई थी, मस्जिद में आ गई थी, जब पालकी रखने का वहां पर स्थान नहीं था, चांदी की पालकी थी। चूंकि स्थान नहीं था मस्जिद में पालकी रखने का, इसलिए पालकी जो है वो मस्जिद के बाहर दीवार से सटा करके रख दी जाती। उस पालकी पे दो चांदी के ठोस हाथी भी लगे हुए थे। बाहर पड़ी रहती थी पालकी, एक रात को कोई चोर आए होंगे, उन्होंने वो हाथी उस पे से चुरा लिए। राधा कृष्ण माई बाबा के पास गई इस बात की फरियाद करने।
बाबा से फरियाद करी कि बाबा ये चोर तो जो है वो हाथी चुरा के ले गए। बाबा ने कहा अच्छा हुआ ले गए, पालकी क्यों नहीं चुरा के ले गए। साईं इन सब आडंबरों से बहुत दूर थे, न उन्हें चांदी की पालकी का मोह था, न उन्हें मखमल के आसन का मोह था, न उन्हें अपने जयकारे लगवाने का मोह था, न उन्हें अपने आगे भक्तों को झुकाने का मोह था। राधा कृष्ण माई ने बहुत सुचारू रूप से 8 वर्ष तक के शिरडी में बाबा की सेवा की। उन्हें तो सिर्फ एक था कि साईं का आसरा हमें मिल जाए, बस दुनिया में और कुछ मिले या ना मिले। लेकिन 8 वर्षों में राधा कृष्ण माई ने वो करके दिखाया जो कहते हैं कि कोई और होता तो शायद कई वर्षों तक, कई कई दसियों वर्षों तक ना कर पाता। ऐसी थी राधा कृष्ण माई। एक दिन वो अचानक शिरडी से गायब हो गई और उनका शव रहस्यमय परिस्थितियों में कोपर गांव के पुल के पास मिला। उनकी मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमय बनी हुई है जितना उत्सुकतापूर्ण उनका जीवन था। आज संस्थान का जो भी रूप है उसकी शुरुआत का श्रेय राधा कृष्ण माई को जाता है। आइए हम भी यही प्रार्थना बाबा से करते हैं कि जैसा आसरा साईं राधा कृष्ण माई के लिए बने, वैसा आसरा वो हम सब के लिए बन जाए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही
ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला साईं का चाहिए, मेरे दिल में उजाला साईं का चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बदले है माली वही बाग है, मेरी चाहत की कलियां खिले ना खिले, 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 मेरे दिल में खुशबू साई की चाहिए, साई की चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे है मुश्किल साईं तू संभाल, 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 मेरी चाहत की मंजिल मिले ना मिले, 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 मेरे दिल में इशारा साईं का चाहिए, मेरे दिल में इशारा साईं का चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे जीवन में खुशबू साईं की चाहिए, मेरे जीवन में खुशबू साईं की चाहिए, मेरे दिल को इशारा साईं का चाहिए, मेरे दिल को इशारा साईं का चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा। साईनाथ महाराज की जय। साई का आसरा हमेशा चाहिए, हमेशा मिलना चाहिए, और एक बार मिल जाए तो अपनी मूर्खता से कभी इसको खो मत देना। साई अमृत कथा है क्या? लोग पूछते हैं कि हमने भागवत सुनी है, रामायण सुनी है, श्री साई अमृत कथा है क्या? भागवत भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों की कथा है। राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की कथा है, और श्री साई अमृत कथा ये श्री साई बाबा की कथा नहीं है, ये साई बाबा के उन तमाम चमत्कारों की कथा है जिनके माध्यम से बाबा ने हम सबको संस्कारित करने की कोशिश की है। मौजूदा समय बहुत विषम है, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं, रिश्तों नातों का अभाव होता जा रहा है, भक्ति में भाव नहीं लालच होता। हम शिरडी जाते हैं तो लालच से जाते हैं। कोई भी हो ऐसा जो अपने दिल पे हाथ रख करके ये कह दे कि मैंने शिरडी जाकर के आज तक साईं बाबा से कभी कुछ मांगा नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। और तो और हम मंदिर जाकर के सौदेबाजी करने लगते हैं कि हे साईनाथ मेरा ये काम कर दे, मैं जो तुझे सोने का मुकुट चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम कर दे मैं 501 रुपए चढ़ा दूंगा। और कुछ भक्त तो यहां तक गड़बड़ कर देते हैं कि जो 501 की बात करते हैं, 1000 की बात करते हैं, अब तो हुंडियों में पुराने नोट भी डाल के आ जाते हैं। भाई मेरे तो 500 रुपए चढ़ाने की बात थी ना, सरकार ने बंद कर दिया, उसमें मेरी क्या गलती। हम लोग इस हद तक मतलबी हो गए हैं। साई मतलब ही नहीं होता है।